हॉट स्टार स्पेशल्स अंधेरे के उस पार अदिति आना अक्सर और गहरा अंधेरा होता स्टार्ट करते हैं ट्रेलर ठीक है जी जनाब तो कैसे हैं आप लोग होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और हम लोग आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ और आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं द नाइट मैनेजर का आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर की कपूर्स की सीरीज है ये कपूर्स की ठीक है और मैं हूँ ज़ैफ़ा मैं हूँ इस्माइल और बिना आई थिंक ये आपको बता दूँ मैं कि इसमें रीमेक है पता है लोकी जो नहीं लोकी एमसीयू का टॉम हिडलस्टन उसकी सीरीज थी द नाइट मैनेजर उसका ये रीमेक है इंडियन रीमेक ऑफिशियल रीमेक है जो भी है तो ये भी सीरीज ही है मूवी में कन्वर्ट नहीं किया उन्होंने जो अक्सर लोग कर देते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं ये भी सीरीज आ रही है इंडियन में होपफुली अच्छी होगी मैंने नहीं देखी वो सीरीज डिज्नी हॉटस्टार की ऐसे हाँ डिज्नी हॉटस्टार की मैंने ओरिजिनल सीरीज नहीं देखी वो वाली बहरहाल बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ट्रेलर ठीक है जो देखेंगे क्या स्टोरी है जो भी सीन है वो आपके सामने हमें पता चल जाएगा आपके साथ हॉटस्टार स्पेशल्स अदिति आना अक्सर और गहरा अंधेरा होता दूर से तमाशे की तरह बस देखो तो जंग कितनी खूबसूरत चीज है खासकर उनके लिए जो लड़ना चाहते हैं ऐसे लग रहा है जैसे फाइट हो रही है दो कंट्रीज के बीच में भैया वो बैठ के ऐसे देख रहे हैं ऐसे कि मूवी चल रही है जो लोगों के खून से पैसा कमाता है हाँ डीलर है ना शरीर की लंका गिराने के लिए मुझे अपना विभीषण चाहिए मेरा से कुछ लेना देना नहीं है मैं कोई सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ मैं एक नाइट मैनेजर हूँ होटल मैनेजर कुछ टाइप में बस शरीर के करीब रहकर उसका भरोसा जीतना है मैंने भी शान से गुप्ता हूँ नाइट मैनेजर ये काम जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है To the king of the world. Cheers. Thank you, manager. Give money. You do your work. No. Go. तूने मेरे बेटे की जान बचाई. Welcome to the family. I like men जो बीते हुए कल में नहीं, आने वाले कल में जीते हैं. वो मालूम ही रहता. My star. सब कुछ आपका ही है. मैं बस पहरेदारी कर रहा हूँ. राजा चैन की नींद सो सकता है या नहीं? ये पहरेदार की नीयत पे डिपेंड करता है. ऐसी क्या बात है तुम्हारी शान जो मुझे खींच रही है तुम्हारी तरफ समथिंग्स ऑफ शेली ये लड़का हमारे लिए ठीक नहीं है आई एम पुलिंग यू आउट तुमने पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज कर दिया है तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो आई नो व्हाट आई एम डूइंग मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द निकालूंगा ओहो ना जाओ तो कोई भी धोखा दे सकता है Hotstar Specials presents The Night Manager 17 फरवरी से सिर्फ Disney Plus Hotstar पर बहरहाल कहीं से भी सीरीज तो नहीं लग रही है बिल्कुल वो मूवी वाले क्या कहते हैं प्रोडक्शन वैल्यू जो इसकी है ना बहुत ही मतलब कि हाई बजट सीरीज है ये और देखिए राय कपूर के लिए आई थिंक ये भी कम बैक हो सकता है उनका भी उनकी जो लास्ट मूवी थी ओम जो मूवी थी बिल्कुल ही एवरेज जो टाइगर श्रॉफ की उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की थी हालांकि टाइगर श्रॉफ की अपनी वही मूवी पिट रही है उस स्टाइल में उन्होंने बहरहाल छोड़ो जो भी है लेकिन यार ये इसमें ये चीज़ लग रही है जो तुमने नोटिस किया है क्या कहते हैं आदित्य रॉय कपूर के बारे में जो करेक्टर नाइट मैनेजर का क्या करेक्टर हो सकता है नोटिस किया उसने जो उसको शेड डाल रहे हैं मैंने ये नोटिस किया है कि एक मैनेजर उसको बनाया गया है वो हालांकि एजेंट है हाँ उसके साथ रह के ऐसे ही है उसका एतमाद भरोसा जीतेगा और फिर हालांकि उसको दिखाया गया है जो क्या दिखाया गया उस बंदे को अनिल कपूर को अनिल कपूर एक आर्म्स डीलर बना हुआ है डीलर बना हुआ है जो जंग वगैरह करके उसको मजा आता है बिल्कुल बिल्कुल वो आर्म नहीं मतलब कि वो हथियारों को बेचता है ना बेच रहा है डील्स कर रहा है आर्म्स डीलर जो बना हुआ है एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अनिल कपूर का जो करेक्टर है डिस्प्ले में बिल्कुल ही डिफरेंट एक करेक्टर में आ रहे हैं नेगेटिव करेक्टर भी आई थिंक काफी उसके रेस 3 के बाद प्ले कर रहे हैं आई थिंक हाँ मुझे और जो एक्साइट कर रहा है मुझे अनिल कपूर के लिए भी काफ़ी अनिल कपूर के कैरेक्टर के भी आदित्य रॉय कपूर के साथ ही शेड्स हैं काफ़ी तो उसके पहले दिखाया कि वो कैसे एक ना जंग वो दिखा रहे हैं कि जंग पसंद है खून खराबा फिर उसी के बाद ही उसकी फैमिली भी है अनिल कपूर की अपनी उसकी फैमिली को बीच में दिखाया गया और उसको थोड़ा सा ना एक अच्छे व्यू से भी दिखाया गया कि वो अपनी फैमिली के साथ कैसा है ऐसे ही है
ये भी पॉइंट दिखा रहा है ना कि कमजोरी भी है उसकी, इतना वो खून खबरों को पसंद करता है कि लोगों की मार धाड़ को, खून खराबे को, वार को, और वो उतना ही वो अपनी फैमिली को बचाना भी चाहता है, इन चीज़ों से दूर भी रखता है ना, हाँ वैसे। और वो डायलॉग अगर वजह हो तो कोई भी धोखा दे सकता है। राइटिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, डायलॉग्स भी। हाँ बहरहाल ये मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि प्रोडक्शन इसकी अच्छी होगी, इतनी जितनी प्रोडक्शन दिख रही थी मैं सीरीज़ के, क्योंकि मूवीज़ के मुकाबले सीरीज़ का बजट कम होता है, लेकिन ये डिज्नी हॉट स्टार की है तो अच्छी भी मिलेगा आपको। मेरा जो है ना थ्रिल, इस मूवी का थ्रिल और जो क्या कहते हैं ट्विस्ट जो हैं वो हमें शायद ट्विस्ट जो है ना इस मूवी के वो थोड़ा सा इसको मजबूर करेगा वो, हाँ सीरीज़ देखने को। आई थिंक ज़्यादा कोई लंबी भी नहीं होगी सीरीज़ है। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि ये जो सीरीज़ होती हैं और स्टार वगैरह डिज्नी वगैरह ये ज़्यादा नहीं होती लंबी। हाँ बहरहाल ये ट्रेलर था, ट्रेलर ने अच्छा इंपैक्ट छोड़ा है, तो मैं जरूर देखूंगा सीरीज़ को। मैं भी, आपके बताएं आपको कैसा लगा, आपके व्यूज़ क्या है इस ट्रेलर पे? इसको देखने के बाद तो शायद ओरिजिनल भी देखने दिल करे जिसका ये रीमेक है। हाँ वैसे कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन कुछ तो डिफरेंस करेंगे, वो मज़ा नहीं आता ना कुछ सीरीज़ में है। तो नाम तो मैंने बहुत सुना था नाइट मैनेजर का, खबर जब इसकी रिपोर्ट्स थी, लेकिन शायद वो चीज़। हाँ ये हम ये बीबीसी की थी, छः साल पहले आई हुई है, छः साल पहले आई हुई है ये इसकी मूवी और सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं, वन टू एंड थ्री। ये अनिल कपूर का लगता है मुझे एक्टर, सेम ही है काफी। ये वो वजह वाला इसे इंटरेक्ट कर रहा है, सेम टू सेम डायलॉग है ना। लेकिन इसने वो नहीं बोला कि वजह होनी चाहिए, वो शायद वो कट हो गया, वो पूरी मूवी में हो जैसे वो एक इंग्लिश वर्जन है और ये शुरू में जो है ना, शुरू में काफी इवन के शॉर्ट्स भी सेम है जो ट्रेलर में डाले ना, उन्होंने सेम कट किया गया उसकी तरह। अच्छा बहरहाल चीज एक तुम देख रहे हो, अब वो छह साल पहले आई हुई है सीरीज, लेकिन उनकी फिर भी प्रोडक्शन क्वालिटीज़ और जो उनके जो विजुअल क्या कहते हैं जो उसकी एक अपीरियंस है वो कितनी वो कर रही है आपस में मैच कर रही है, मैच नहीं कर रही वो, आई थिंक ज़्यादा ही उससे ज़्यादा ही है। हाँ हाई क्वालिटी की ज़्यादा ही है उन्होंने की हुई है, ये चीज़ है जो इंडिया को ज़रूरत है अपनी बढ़ाने की, सिनेमाटोग्राफी जो है ना हिंदी वर्जन में तो वो भी हो गई है ना। क्या भाई इसकी क्या नाम है उनका, इंग्लिश जो है, इंग्लिश क्या इंग्लिश वर्जन में जो है इनकी जिसका ये रीमेक बन रही है, हाँ हाँ तो वो हिंदी वर्जन में भी होगी है ना, हिंदी डब में। हाँ पता नहीं शायद हो, होपफुली पता नहीं सकता, वो तो रुक करें ना। बहरहाल मैं तो इसके लिए एक्साइटेड हूँ, मैं ये वर्जन देखूंगा इसका, आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर का, क्योंकि ज़्यादा एक्साइट करेगी हमें ना, क्योंकि ये अब हम क्योंकि हमारी साइड की है जो हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं कल्चर्स वगैरह की वजह से ना, तो उस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं उसे क्या है उसके बारे में। वैसे भी ना वो ज़रा मुझे ज़्यादा ये अपीलिंग लग रही है मुझे, वो बहरहाल वो ठीक है कि उनकी क्वालिटी चल रही है ज़्यादा, लेकिन विजुअली और या देखा जाए स्टोरी वाइज ना, हाँ स्टोरी वाइज या डिफरेंट है। बहरहाल आपको कैसे लगा दोनों ट्रेलर्स में से, आप बताएं कि आपको कौन सा था पसंद आया और आप किस ट्रेलर किस सीरीज़ को कौन से वर्जन को आप देखना चाहेंगे,
ओरिजिनल वर्जन को या फिर ये इंडियन बॉलीवुड वर्जन को जो उन्होंने कहते हैं कि जो एक ऑफिशियल इसके अडैप्शन है, बहरहाल तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम करते हैं साइन ऑफ करते हैं यहाँ से। हमारे YouTube चैनल मिस्टर एक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उसकी बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अपना ख्याल रखिए, अपने घरों का ख्याल रखें, ठंड है, ठंड से बचें। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।